चलिए जान लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में कौन से हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला है, यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12 तक के बच्चों को बाय 2030, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सभी बच्चों को जो कि 3 से 6 के बीच के एज ग्रुप के होंगे बाय 2025। रिप्लेस किया जाएगा प्लस टू को विथ 5+3+3+4 के जो स्ट्रक्चर में, और नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फोकस किया जाएगा अर्ली लैंग्वेजेस को, मैथमेटिकल स्किल्स को फ्रॉम ग्रेड 1 to 3 बाय 2025। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ द लैंग्वेज पर फोकस किया जाएगा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा 5वीं तक और 8वीं तक, वो होम लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज में होगा। रिफॉर्म जो होगा एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा ताकि जो बच्चे की कोर कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट किया जा सके, और कुछ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे परख जैसे, जो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट पैन इंडिया, और इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी जो एम्फोसिस करेगी सोशली जो डिसएडवांटेजेस गर्ल्स हैं और सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी चिल्ड्रन जो होगी फॉर एजुकेशन के लिए। टीचर रिक्रूटमेंट और करियर पाथ भी प्रोवाइड किया जाएगा, और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर जो कि डिवेलप किया गया है बाई 2022 तक फॉर टीचर स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। एक्रीडेशन होगा फॉर स्कूल एजुकेशन, और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सेट किए जाएंगे सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए। नेशनल एजुकेशन दी जाएंगी बाय 2025, एटलीस्ट 15% ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।